बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो इस दफ़ा स्टूडेंट्स टेंथ क्लास की केमिस्ट्री का कल जो पेपर है उसकी जो पेयरिंग स्कीम है उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2020 में उस स्कीम में जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 यानी अगर टेंथ की बात की जाए 9 से 16 तक चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 में से लॉन्ग सवाल नहीं आया था। यानी अगर टेंथ की बात की जाए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग सवाल नहीं आया था। तो इस दफ़ा स्टूडेंट्स जो पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी उसमें चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर जो 9 है और लास्ट वाला जो चैप्टर है टेंथ की अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर जो 16 है उसमें से लॉन्ग सवाल नहीं आएगा। बाकी जो 6 चैप्टर हैं उनमें से लॉन्ग सवाल बनेंगे। टोटल 3 सवाल होने और आपने कोई से 2 सवाल करने हैं और एक सवाल में 2 जुज़ होते हैं, जुज़ अलिफ और जुज़ बे। तो इस तरह जी स्टूडेंट्स आपने इस स्कीम को फॉलो करना है। अगर फाइनली मैं आपको कहूँ कि आप अगर पहले 6 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग सवाल जो हैं 2 बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे। यानी पहले 6 चैप्टर अगर आप उनके लॉन्ग सवाल तैयार कर लेते हैं, लास्ट टाइम जो चैप्टर थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 उसमें से लॉन्ग सवाल नहीं आया था, इस दफ़ा इन दोनों में से लॉन्ग सवाल आना है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान हैं। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 6 है यानी एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, उसके लॉन्ग सवाल आपने तैयार कर लेने हैं। यानी चैप्टर नंबर 6 तक अगर आप लॉन्ग सवाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग पोर्शन बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे करें, मशकी जो है ALP के मुताबिक हैं वो लाजमी करें, मरूजियाँ जो है MCQs वो लाजमी आप करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।